नमस्कार, आज हम आयुर्वेद के ग्लोबलाइजेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और कुछ मुख्य कमेटियों के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध काल से ही भगवान बुद्ध ने अपने धर्म एवं आयुर्वेद को एक देश से दूसरे देश में प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न उपाय किए थे, जिनमें से प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न देशों में यातायात के कारण विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। सिकंदर, फाहियान, मैगस्थनीस जैसे व्यक्ति स्थल मार्ग और जल मार्ग से भारत आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में दूसरे देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिसकी वजह से भारतीय चिकित्सा पद्धति का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। नेपाल पहले भारत का ही हिस्सा था, किंतु यह बाद में अलग हो गया और यहाँ पर सनातन संस्कृति होने से पहले से ही आयुर्वेद का प्रचार होता आ रहा है। काठमांडू में नर देवी मंदिर में एक राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। प्रारंभ में यह भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विद्यापीठ से संबंधित था, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी और यहाँ के प्रधान पंडित हेमराज शर्मा जी बनाए गए थे, जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों का प्रकाशन और अनुवाद करवाया। नेपाल आयुर्वेद की औषधियों का भंडार है। नेपाल सरकार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात करती है और नेपाल के अनेक वैद्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि भारत में स्थित है, वहाँ से ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। मिस्र में आयुर्वेद का प्रचार। मिस्र में प्राचीन समय से ही भारत का संबंध रहा है और भारत से मिस्र में जाने वाली चीज़ों में हाथी दांत, सोना, चंदन, रत्न, बंदर, मोर इत्यादि थे। किसी विद्वान ने यह भी बताया है कि दालचीनी, पीपली और शुंठी का भी उल्लेख मिस्र के शास्त्रों में मिलता है, तो यह संभवतः है कि भारत से ये चीज़ें वहाँ गई हों। राजा सिकंदर ने भी भारतीय वैद्यों की योग्यता और कुशलता को बहुत प्रभावित हुआ था। इसमें से अनेक वैद्य उन्होंने अपने यहाँ नियुक्त भी किए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने साम्राज्य सीरिया और फारस तक फैलाया हुआ था। मौर्य वंश के लेखों से अनेक जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का मिस्र जैसे देशों के साथ आदान प्रदान होता रहा है। लुई सोल्वे ने भी अपनी बुक में लिखा है कि मिस्र में अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और कला का ज्ञान उन्होंने भारत से ही प्राप्त किया है। श्रीलंका में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। सिंहल द्वीप या रतन द्वीप। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए। स्वयं अशोक भी खुद आयुर्वेद का पोषक था। उसने अपने अनेक लेखों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का उल्लेख किया है। रावण भी आयुर्वेद का ज्ञाता था। सुषेण नामक एक वैद्य का वर्णन रामायण में भी मिलता है, वह भी आयुर्वेद का ज्ञाता था। श्रीलंका में भी चिकित्सा आयुर्वेद से ही होती है। गुप्त काल में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बुद्धदास नामक व्यक्ति ने किया, जो कि बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे और वह स्वयं भी अच्छे चिकित्सक थे और पशु चिकित्सा की भी उन्होंने व्यवस्था की थी तथा अनेक स्थानों पर उन्होंने आयुर्वेद के औषधालय खुलवाए। आयुर्वेद चिकित्सा का श्रीलंका में अपना संग्रह ग्रंथ है। 1928 में श्रीलंका आयुर्वेद सम्मेलन का गठन हुआ और 1929 में कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना श्रीलंका में ही हुई। श्रीलंका की चिकित्सा को सिंहल देवराज कहा जाता है। यह यहाँ के चिकित्सक मरम चिकित्सा और विष चिकित्सा के लिए कुशल माने गए हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यह एक्ट 10 अप्रैल 1940 को पास हुआ। इसका पहला संशोधन बिल 2008 में पारित हुआ। इंडिया के सभी राज्य एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़ के सभी इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऊपर चलते हैं। 1940 में इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया। यह पहला एक्ट ऐसा था जो कि इंडिया में होने वाली इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सभी का देखने वाला था। और इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज़ टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यह ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्मेटिक के डिस्ट्रीब्यूशन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए वो भी सुरक्षा के साथ, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। डेफिनेशन ऑफ ड्रग कहें तो क्या होगी? इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिनल डिवाइसेस। डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, एनी प्रोडक्ट दैट इज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटीफाइंग, मतलब जो सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट यूज किया जाए वह कॉस्मेटिक कहा जाएगा। 1964 में एक बिल और पास हुआ जिसने आयुर्वेदा और यूनानी ड्रग्स को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर लिया।
इसके अंदर कुछ सेक्शन आते हैं, सेक्शन 16 एक्ट डिफाइन दैट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, यह ड्रग की क्वालिटी डिफाइन करता है। एक्शन 17 डिफाइन मिसब्रीडिंग, अर्थात कोई भी ड्रग जो अपनी थेरेपेटिक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दिखाती है, जो उसकी एक्चुअली वैल्यू उससे ज़्यादा वैल्यू दिखाती है, उसको मिसब्रांडिंग बोलते हैं। और फिर जो भी कंपनी इसको बनाती हैं उसको, कंपनी को ये कहा जाता है कि अब आप ये ड्रग नहीं बनाओगे। एक्शन सेक्शन 27 रिलेटेड टू फेक एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग, इट ऑल्सो डील विद दैट इंग्रीडियंट ऑफ द ड्रग शुड बी प्रिंटेड ऑन लेबल। सेक्शन 22 डिफाइन द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। सेक्शन 23 डिफाइन द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर विच शुड बी टेकन बाय द इंस्पेक्टर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। अब आती हैं कमेटियाँ। कमेटियाँ, 7 कमेटियाँ हुई हैं मुख्य तौर से, बोर कमेटी, चोपड़ा कमेटी, पंडित कमेटी, दवे कमेटी, उड़ुप्पू कमेटी, संपूर्णांत कमेटी और व्यास कमेटी। सबसे पहले आती है बोहर कमेटी। बोहर कमेटी की स्थापना डॉक्टर बोहर ने की और ये 1945 में स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देशी चिकित्सा का जो अधिकार है वो राज्यों को मिले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इनके बीच में कोई भी रोल ना हो। इसके बाद आई चोपड़ा कमेटी। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इस कमेटी के हेड कर्नल रामनाथ चोपड़ा थे। इन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक सिलेबस जो है वो मॉडर्न और इनडाइजेशन मेडिसिन, मतलब मॉडर्न और देसी मेडिसिन, उनके अंदर दोनों शामिल हो और कोऑर्डिनेशन हो एलोपैथी सिस्टम का। स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा शुड हैव नॉलेज ऑफ संस्कृत, मतलब जो स्टूडेंट है आयुर्वेदा के, आयुर्वेदा पढ़ने वाले, उनको संस्कृत की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन सभी की जानकारी हो। BMS का टोटल जो सालाना उसकी अवधि है वो 5.5 साल हो और आयुर्वेदिक हर एक स्टेट में एक आयुर्वेदिक कॉलेज हो और जो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स हों उनके रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हो। इसके बाद आई पंडित कमेटी। डॉक्टर CG पंडित इसके प्रधान थे। यह 1949 में आई। इन्होंने कहा कि जामनगर में एक मतलब केंद्रीय अनुसंधान की स्थापना की जाए और जो भी टीचिंग मतलब क्वालिफिकेशन होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन, मतलब एडमिशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी आयुर्वेदा में, वो 10+2+ साइंस रखी जाए और टोटल ड्यूरेशन इसकी 5.5 साल रखी जाए और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का भी इसके कंसिडर की जाए, मतलब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन भी पढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद आई दवे कमेटी। इसके प्रधान दयाशंकर विक्रम दवे थे। यह 1995 में आई। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड की स्थापना की जाए और हर राज्य में जो भी हॉस्पिटल हो उसके अंदर IPD में पर बेड 5, मतलब IPD में 5 बेड होने ही चाहिए। इसके बाद आई उड़ुप्पू कमेटी। इसके प्रधान KN उड़ुप्पू थे। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना की जाए, दोनों का मिक्स सिलेबस रखा जाए, एलोपैथी और आयुर्वेदा का, MD की क्लासेस की जाए और आयुर्वेद को नेशनल पैथी घोषित किया जाए। इसके बाद आई संपूर्णानंद कमेटी 1958 में। इन्होंने ही फर्स्ट मीटिंग रखी थी नैनीताल में। इसके बाद आई व्यास कमेटी, जो कि आखिरी कमेटी भी है। यह 1966 में आई और इसके प्रधान मोहनलाल व्यास थे। इन्होंने कहा कि जो भी आयुर्वेद में सिलेबस पढ़ाया जाए वो शुद्ध पाठ्यक्रम हो और 5.5 वर्ष इसकी अवधि हो और CCIM की स्थापना हो। धन्यवाद।